नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। इस निवेदन के साथ कि यदि इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद देने की कृपा अवश्य करेंगे। आज का विषय आरटीआई एक्ट से रिलेटेड है। हमने धारा 11 पर बहुत पहले एक वीडियो डाली थी, लेकिन कुछ बंधुओं का ऐसा प्रश्न आया कि मुझे यह वीडियो डालनी पड़ रही है। जब थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन हम सीक करते हैं या थर्ड पार्टी कोई इंफॉर्मेशन सीक करती है किसी और की, तो वहां पर सीपीआईओ, एसपीआईओ जैसी भी स्थिति हो, वो 5 दिन के अंदर नोटिस देते हैं उस थर्ड पार्टी को जिससे संबंध में सूचना चाही गई है, और वो जो भी अपना कथन अभिकथन करना चाहते हैं जिसके बारे में सूचना चाही गई है 14 दिन के अंदर देते हैं वो, और तब उसके बाद सीपीआईओ एसपीआईओ जैसी भी स्थिति हो सूचना को उजागर करता है या रिकॉर्ड को उजागर करता है या सूचना का प्रकटीकरण करता है। लेकिन जो लोगों का सवाल था कि आखिर धारा 11 तो है, जन सूचना मांगी गई है, लेकिन जन सूचना अधिकारी क्या बाध्य है कि अगर तृतीय पक्ष से संबंधित सूचना मांगी गई है या तृतीय पक्ष ने किसी की सूचना मांगी है तो उसको उजागर करने के लिए यह जो तृतीय पक्ष को नोटिस है आज्ञापक है? नहीं, यह जो तृतीय पक्ष से संबंधित सूचना मांगी जाती है किसी के द्वारा या तृतीय पक्ष किसी की सूचना मांगता है, तो ऐसी दशा में जन सूचना अधिकारी, चाहे वो केंद्रीय हो चाहे राज्य जन सूचना अधिकारी हो, उसको तृतीय पक्ष को 5 दिन के अंदर नोटिस तब जारी करनी होती है यदि जन सूचना अधिकारी इस मत का है कि हमें सूचना उजागर करनी चाहिए। एक्ट यही बोलता है। मैं अगर धारा 11 की बात करूं, पढ़ के सुनाऊं आपको। वेयर अ सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एज द केस में बी, इम्फेसिस प्रोवाइड कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, इंटेंड्स टू डिस्क्लोज एनी इंफॉर्मेशन आर रिकॉर्ड आर पार्ट दियर ऑफ ऑन अ रिक्वेस्ट मेड अंडर दिस एक्ट व्हिच रिलेट्स टू आर हैज बीन अप्लाइड बाई अ थर्ड पार्टी एंड हैज बीन ट्रीटेड कॉन्फिडेंशियल बाई द थर्ड पार्टी। यानी यह जो तृतीय पक्ष से संबंधित सूचना के बारे में जन सूचना आवेदन दिया गया है, यदि जन सूचना अधिकारी इस मत का है कि सूचना उजागर करनी चाहिए, तब वो हो नोटिस जारी करने के लिए बाध्य है। और अगर जन सूचना अधिकारी इस मत का है, उसको लगता है कि यह पब्लिक इंटरेस्ट में भी नहीं है और तृतीय पक्ष से संबंधित सूचना है, इसको उजागर करना महत्वपूर्ण नहीं है या पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, वो पहले से ही ऐसा अभिमत बना लेता है, तब इस तरह की जो नोटिस है धारा 11 की, उसकी कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है जो एक्ट बोलता है। क्योंकि एक्ट ने सीधे बोला हुआ है इंटेंड्स टू डिस्क्लोज एनी इंफॉर्मेशन आर रिकॉर्ड्स। उसका इंटेंशन क्या है, जन सूचना अधिकारी का इंटेंशन क्या है, उसकी इच्छा क्या है, उजागर करना चाहता है कि नहीं उजागर करना चाहता। यहां पर सवाल आता है कि ऐसी इच्छा वो क्यों कर रहा है, कैसे उसने ये जान लिया कि ये जन सूचना तृतीय पक्ष से संबंधित व्यापक जनहित में नहीं है। तो एक तो जन सूचना आवेदन जवाब देते हैं तो उसमें कुछ कहते हुए आते हैं आप, और अगर जन सूचना अधिकारी ने जन सूचना आवेदन का निस्तारण करना है, तो आपको याद होगा हमने अपने पहले की वीडियो में बात कही थी कि जन सूचना अधिकारी जब जन सूचना आवेदन का निस्तारण करता है तो उसे अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करना पड़ता है, यानी अपनी न्यायिक विवेक का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसा नहीं कोई अंतर्यामी है। अब न्यायिक विवेक उसका क्या कहता है, यह उसका डिस्क्रेशन है। डिस्क्रेशन जो होता है, ऐसा नहीं कि इम्यून हो या आर्बिट्रेरी हो। अगर आर्बिट्रेरी उसका डिस्क्रिप्शन है, इम्यून डिस्क्रिप्शन है, देन दैट इज नॉट सस्टेनेबल इन द आईज ऑफ लॉ। लेकिन अगर जुडिशियल डिस्क्रिप्शन है, कुछ फाइंडिंग दे रहा है वो, देन इट विल बी ट्रीटेड एज जुडिशियल डिस्क्रिप्शन।
तो यहां पर जो सवाल था, मुझे लगता है हमारे उन बंधुओं की समस्या का समाधान हो गया होगा जो ये पूछ रहे थे बार बार कि आखिर जन सूचना अधिकारी ने 11 का अप्लीकेशन क्यों नहीं किया, धारा 11 अप्लाई क्यों नहीं किया। तो यहां पर ये बात स्पष्ट हो गई, वो तभी अप्लाई करेगा धारा 11 की नोटिस को, जो उसका प्रक्रिया है उसको, यदि वो ये समझता है, यदि वो इच्छा करता है, यदि विधिक रूप से ऐसा वो चाहता है कि नहीं यह सूचना उजागर होनी चाहिए, उजागर करना चाहिए, तब वो इस तरह से प्रक्रिया अडॉप्ट करेगा, अन्यथा की दशा में ऐसी आवश्यकता नहीं है। आज की बात यहीं तक, अगली वीडियो में फिर नया विषय लेकर आपके सामने आएंगे। लेकिन चलते चलते एक निवेदन कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके अलॉन्ग विद वेल आइकॉन अपना आशीर्वाद देने की कृपा अवश्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।